हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में और इस व्लॉग में हम सीखेंगे गाड़ी यूज्ड कार चेक करना। गाड़ी अनलॉक करने के बाद सबसे पहले गेट खोल के गेटों की किनारी चेक की जाती है, उस पर सील है या नहीं। अगर सील नहीं होती है, जो कि आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो दरवाज़ा चेंज है। और दरवाज़ा चेंज या तो रस्टिंग की वजह से होता है या फिर जब एक्सीडेंट हो जाता है तब होता है। इंटीरियर्स देख के भी गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन का अंदाज़ा हो जाता है, गाड़ी किस तरीके से रखी हुई है उसके ओनर ने। अगर साफ़ सुथरा इंटीरियर होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो साफ़ सुथरी तरीके से ही रखता होगा अपनी गाड़ी को। दूसरी चीज़ आती है गाड़ी के टायर। गाड़ी के टायर इस टाइम पे करंट कंडीशन में कैसे हैं, कितने चले हुए हैं, कितनी परसेंटेज टायर में बची हुई है। उसके बाद बोनेट में भी वैसी ही सील होती है जैसे दरवाजे की किनारी हमने चेक करी थी, बोनेट में भी वैसी ही सील होती है। अगर वो सील नहीं मिलती है तो इसका मतलब गाड़ी का बोनेट सील है। इंजन स्टार्ट होने के बाद कोई भी ऐसा अलग सी नॉइसी साउंड नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी में कोई भी खटर पटर की आवाज़ आ रही है इंजन के साउंड के अलावा, तो इसका मतलब इंजन भी डैमेज हो सकता है। इसलिए पुरानी गाड़ी हमेशा हमें ढंग से चेक करके लेनी चाहिए, क्योंकि इंजन में फॉल्ट आ जाता है तो वारंटी भी कवर नहीं होती, कंपनी की तरफ से वारंटी ख़त्म हो चुकी होती है। दोनों साइड की एप्रोन चेक कर लेनी है, पट्टी चेक कर लेनी है, बोनट चेक कर लेना है, इंजन साउंड चेक कर लेना है, ऑयल का गेज निकाल के ऑयल चेक कर लेना है। इस वीडियो पर अगर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है तो मैं आगे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें कवर करूंगा कि भाई, ताकि आप लोग भी जब पुरानी गाड़ी ख़रीदने जाओ तो डीलर आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को भी दबा देना। बाकी भाई, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, उन समझदार लोगों की तरह आप भी समझदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद।